ओ नंदिनी आए हैं तेरे पापा। नंदिनी बड़ी खुश है उसके पापा आ गए। नंदू बेटा, नंदू बेटा बहुत खुश है इसके पापा आ गए। चार पहियों की साइकिल होवे? चार पहियों की तो कार होवे। हाँ कार मेले में तलाए। हाँ क्या अपने पापा तीन बार बता दिया साइकिल आता चार पहियों वाली और मरने नहीं। तीन बार कह दिया साइकिल लाने के लिए साइकिल लेने और मरने नहीं मन लगा। तेरे पापा मानने नहीं मंदिर लाने का? हाँ अच्छा मानने नहीं आज मानने नहीं। खड़ा होना सीख लिया क्या भाई? ये भी हुआ है दे दे मेरे बंदूक दे दे इसे चलना सीख रही है। ये भी हूँ इधर आ ले आजा ले आजा ले ए मटा चलो भाई की हूँ आ जाओ। यहाँ पे मैं आरुषी और चिंकी मकर संक्रांति बना रहे हैं तिल सकरी और मूंगफली खा के। और आरुषी और चिंकी एक खेल में भी व्यस्त है। आप मेरी ये छोटी छोटी गुड़िया लाए थे। हाँ मैं आरुषी के लिए छोटी छोटी गुड़िया लाया था। और ये देखिए ये चीकू निकाल देता है इसके कपड़े। हाँ क्योंकि चीकू इसके कपड़े और हाथ पैर इसके निकाल देता है। हाँ। तो अब छोटी तीन डॉल्स लाए थे आरुषि के लिए। ये नहीं तो देता है। हाँ। और देखिए हमने इनका बेड बनाया है। बेड बनाया है इनका कपड़े पहनाए हैं इनको और इनको चादर उड़ाई है सर्दी में। देखिए बेड किस तरह का बनाया हुआ है। देखो भाई एक मिनट पहले डॉल्स को नीचे उतारो बेड से रजाई पे लिटा दो। देखो अब देखो मम्मी उठा देगी। अच्छा वो बड़े वाली इनकी मम्मी है। ये इनकी मम्मी है। हाँ। इन छोटे बच्चों की। अच्छा ये रोते हैं छोटे बच्चे रोते हैं। हाँ। तो इनका बेड तो दिखा दो आप। रुक जाओ पहले इन्हें नीचे उतारो। इनका बिस्तर हटाओ। देखो बेड कैसे बनाया हुआ है। कलर वाले बाल है इसके। देखो भाई गत्ता से बनाया हुआ है। छोटे छोटे पैर छोटे छोटे पैर। पहले बेड दिखाने दो। देखो कितना अच्छा बेड बनाया हुआ है चिंकी ने गत्ता से जैसे प्लाईबोर्ड का होता है। और बहुत अच्छा उसका सिराना सजाया हुआ है। फिर इस पे बिस्तर लगा के ये इन डॉल्स को इस पे सुलाती हैं। ये इनकी रजाई है। रजाई उड़ाओगी इनको? हाँ ये छोटी छोटी रजाई है। ये अच्छा। भी ये और ये चिंकी ने बिस्तर लगा दिया इनका और बेबी डॉल्स को लुटा दिया है। देखो और ये रजाई उड़ाएगी और उसी इनको देखो इन्हें ठंड लग रही है। इन्हें ठंड लग रही है। हाँ बस 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 रजाई उड़ा दो इनका मुंह ना ढको। बस देखो इनकी मम्मी डॉल इनको उठा रही है। उठ जाओ बेबी डॉल। उठ जाओ उठ जाओ बेबी डॉल। इनकी मम्मी इनको उठा रही है। उठ जाओ बेबी डॉल। उठ जाओ आरुषि बेटा। आज आपको रजाई से बाहर नहीं निकलना। बाहर बहुत ठंड हो रही है। कभी मुझे ठंड लग जा। देखो इसे एक आगे की पता रजाई से बाहर नहीं निकलना कभी मुझे ठंड लग जा। नंदिनी क्या बात कर रही है? तू भी नतारे रजाई तुझे भी ठंड लग जाएगी। हाँ मुझे भी। दोनों बच्चों को ठंड से बचाना है तो आज इनको रजाई में लिए लेटे रहना पड़ेगा यहीं। एक एक ग्लव्स कहाँ गया आपका? और मकर संक्रांति की खिचड़ी तैयार है और खिचड़ी के साथ है मट्ठा। बेटा खिचड़ी खाएंगे। यहाँ बैठो थाली के पास। खिचड़ी कौन खाएगा? मैं। लो लाओ। ये आरुषि तो पापा के साथ खिचड़ी खा रही है। नंदिनी भी
खाना चाह रही है खिचड़ी? क्या बनाया माँ आज? मावा कड्डा, मावा खोया बनाया माँ ने। ये जागा बच्चों के लिए। ये जागा कहाँ? बच्चों के लिए जागा है, सार्थक मंगा रहा था। सार्थक मंगा रहा था के नानी जी खोया भिजवा दो और गाजर का हलवा बनाना जड्डा हो रहा, तो आज शायद जा सकते हैं नीरज दीदी के पास। नीरज के पास लेकर जाऊंगा ये खोया। चाचा रख दी चाय चाचा की। क्या क्या रखा? खिचड़ी है चाचा की, दाल वाली खिचड़ी है, दाल वाली, मकर संक्रांति वाली, और चाय लस्सी। ठंड है, ठीक है, ठंड बहुत है आज, रिकॉर्ड तोड़। पशुओं का चारा भी करना जरूरी है, चाचा जी गए हुए हैं और मैं भी जाऊंगा, चाय नाश्ता उनका कुछ ले जाऊंगा और थोड़ी सी हेल्प भी कर दूंगा खेत में उनकी। आज तो इस घने कोहरे और शीतलहर में फसलें भी नहीं दिखाई दे रही हैं, रास्ता भी ज़्यादा दूर तक का दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला धुंधला है। नज़दीक से अगर देखें तो फसलें दिखाई देती हैं। सरसों का खेत देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पीली पीली सरसों बोली हुई है। आजा, मैं तो पी कर आया था, ये तो चक्कर बस परेशान हो जा जाते ही। और चाचा जी ने नाश्ता किया, मैंने खेत का काम निपटाया, फिर दोनों लोग मिलकर अपना चारा लेकर घर आ गए। खाना किसके लिए बन रहा? खाना तो सुबह ही बना लिया था लेकिन चाचा जी देखिए वहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। चाचा जी अभी खेत में से आए हैं और चाचा जी के लिए ताजी ताजी गर्मा गर्म रोटियां सेकी जा रही है। और प्रीति जब तक चाचा और पिताजी को खाना देगी तब तक एक दो रोटी मैं सेक देता हूँ। किसकी? मेरी। ये नहीं है क्या? हाँ मेरी है। नई पैंट पहनोगे आप? हाँ। जूते कहाँ गए आपके? देखो मैंने पहरे नहीं। आपको ठंड लग जाएगी, आपने तो चप्पल भी उल्टी पहन रखी है। बुआ जी हर के जा रहे हैं हम। हैं? बुआ जी हर के। कौन सी बुआ जी के? नीरज बुआ जी के जा रहे हैं वहाँ पे एक अभी तक है। कहाँ? तक। कहाँ है? अपने घर। हम बुआ जी से मिलने जा रहे हैं, वहाँ पे सार्थक है। ओह सार्थक है वहाँ। हाँ, मैं कुश्ती खेलूंगी, बोलते उसके साथ मैं बोलते खेलूंगी सार्थक के साथ। हाँ। अच्छा भाई, दूध पे शायद कौन? नंदनी के पापा। आरुषि के नहीं है? है आरुषि। मैं तैयार होगी। तैयार हो लग रही है? नए कपड़े पहन के? वेरी गुड। हाँ। कहाँ जाओगे तैयार होके? बुआ जी हट के। कौन सी बुआ जी के? दोनों को ही जाओगे नंबर वार से। दोनों पिंकी बुआ के। नीरज बुआ के। अच्छा। फिर पिंकी बुआ के जाओगे? फिर पिंकी बुआ के। दो तीन दिन बाद। हाँ। देखो एंजल तो बहुत सुंदर लग रही, कितना अच्छा ब्लॉग है। आरुष शादी को एंजॉय कर रहा है, खाना खा रहा है और साथ साथ डांस भी कर रहा है। और इधर आरुषि गोलगप्पा खा रही है।
अपने बड़े पापा के साथ, और सार्थक एंजॉय कर रहा है डांस पार्टी।